अपने प्यार का इजहार करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं और इसके लिए कोई न कोई नायाब आइडिया निकाल कर अपनी महबूबा को निभाने के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए वो पल एक यादगार पल बनकर रह जाए। और अगर बात नव विवाहित जोड़े की हो तो क्या कहने, एक ऐसा ही उदाहरण निभाना में उस वक्त देखने को मिला जब एक विवेक कुमार नामक युवक ने अपने पत्नी के जन्मदिन पर शहर के एक मुख्य मार्ग पर बने बहुत बड़ी होर्डिंग को हायर करके उसके ऊपर अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर लगाकर उसे जन्मदिन की मुबारकबाद दी, जिसके बाद वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और उसने इस पल को अपने जीवन का एक बेहतरीन पल बताया। हम देख रहे हैं कि आपका जो तस्वीर जो लगी हुई है, हाँ, पोस्टर भी लगी हुई है, किस तरह का लग रहा है? मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कुछ भी, कि मतलब मुझे पता था कुछ स्पेशल कर रहे हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि पूरा लुधियाना मेरा बर्थडे मना रहा होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है। तो लग रहा है कि इस तरह का जो आपको गिफ्ट मिला तो अपने आप में एक बड़ा अनोखा तोहफा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ी अनोखी चीज़ है ये, सब लोग बहुत हैरान है देख के, लोग रुक रुक के देख के जा रहे हैं यहाँ पे, इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे और इतना प्राउड फील हो रहा है कि बयान नहीं हो रहा। पता कैसे चला आप जो आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट दिया वो ये वाला गिफ्ट दिया, तो कैसे पता? रात को 12:15 बजे मुझे कहते विश करने से पहले कि चल तेरे लिए सरप्राइज है, मैं तेरे को साथ लेके जाता हूँ, फाउंटेन चौक के पास आके कहते मुझे देख तुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनका मुझे यहाँ पे सिर्फ झंडे दिखाई दे रहे और तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे आते साथ ही गाड़ी रोक दी और कहते सामने देख, और मैं देख के हैरान थी, मेरी बस आँखें खुली की खुली रह गई थी, मेरी भी आँखों में आंसू थे और इनकी भी आँखों में आंसू थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको कि कोई इतना कुछ कर सकता है किसी के लिए, एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। स्माइल भी देख रहे हैं आपके फेस के ऊपर, मेरे सुबह से कल रात से इनफैक्ट जा ही नहीं रही है, मैसेज भी आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग फोटोज खींच खींच के मुझे भेज रहे हैं कि आप यहाँ पे, मैं कह रही हूँ बिल्कुल, मैं बताते बताते थक चुकी हूँ सबको, सुबह से फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हर जगह पे ये सब कुछ मतलब एक हाइप हुआ पड़ा, एक वायरल हुआ पड़ा लुधियाना में ये इस टाइम पे। पति के लिए क्या सोच है अब आपकी जिन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है? मैं ये सोच रही हूँ मैं वापस क्या ऐसा कर सकती हूँ कि इसका कंपनसेशन हो जाए, मैं कुछ भी करूँगी कि खुश रखूँ इनको अपने साथ, मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल होंगी उसमें या नहीं, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि हमेशा मेरे साथ खुश रहे, जैसे ये मेरे फेस पे स्माइल रखते हैं वैसे मैं भी एक स्माइल इनके फेस पे रखूँ। लग रहा है एक पति की तरफ से अपनी पत्नी को एक इस तरह का नया गिफ्ट देना, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रोमांटिक ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड कि ऐसा गिफ्ट दिया, आई विश मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए कभी ऐसे करे, आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी यूनिक वेरी डिफरेंट, थैंक यू। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इरोटिक है और मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक कपल साउंड कर रहा है, तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम है? विवेक अरोड़ा। विवेक जी, ये बताएं कि आज आपने जो गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को, ये क्या समझ के दिया? ये क्या समझ के दिया? किस तरह सोच आई आपके दिमाग में, किस तरह का गिफ्ट दिया, कैसा गिफ्ट देना चाहिए? मैं तो ये सोच रहा था कि उसके फेस पे स्माइल कैसे आए, वो मैं कोई भी रास्ता होगा उसके फेस पे स्माइल लाने के लिए तो अपने आप माइंड में मेरे आ जाता है, मेन फोकस यही रहता है कि उसके फेस पे स्माइल होने चाहिए, क्योंकि जब देखो अगर जैसे अब हमारी मैरिज हुई है, मैरिज के बाद यही होता है कि मतलब लड़की अपना इतना कुछ छोड़ के हमारे मेरे साथ जैसे ज्वाइन हो रही है तो मतलब उसके फेस पे एटलीस्ट स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। ये पहला गिफ्ट है ऐसा जो आपने दिया? ये पहला गिफ्ट है जी। क्या